हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेक्स। सेल्फ लाइफ ऑफ सीमेंट फीडिंग रबर होज। सेल्फ लाइफ तो आपको बता देना चाहता हूं, ओनली वन पॉलीमर का, एक ही जो पॉलीमर है जिसका सेल्फ लाइफ है वो है सिलिकॉन रबर। उसका सेल्फ लाइफ 10 ईयर्स होता है। रिमेनिंग ऐसा कोई सा भी पॉलीमर नहीं है जिसका सेल्फ लाइफ होता है। जैसे आप सीमेंट फीडिंग रबर होज की बात करते हैं, तो सीमेंट रबर फीडिंग होज बनाने के लिए एनआर और एसबीआर, ये दो पॉलीमर से बनाए जाते हैं, राइट। ये दो पॉलीमर से बनाने के टाइम में जिसका जो इनर होता है एनआर और एसबीआर का ब्लेंड से बनता है, और कवर भी सेम एनआर और एसबीआर के ब्लेंड से ही बनता है। एनआर जो होता है उसका जो इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है, और एसबीआर का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम होज को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, होज को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उसको होज का रख रखाव कैसा रखता है, कितना टेम्परेचर पर रखता है, ओपन प्लेस पर रखता है। कि अभी होज जो होता है, देखिए, सनलाइट में रखने से आप यूज करो या ना करो, लेकिन उसका डे बाय डे एजिंग होते रहता है, और एजिंग होते होते उसकी जो प्रॉपर्टी है डे बाय डे हार्डनेस और इलोंगेशन जो प्रॉपर्टी होती है रबर की, डे बाय डे लॉस होती जाती है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी कम होते जाता है। तो यही रीजन है। और दूसरा क्या है, जैसे आप होज यूज किया, सपोज मान लीजिए 4 इंच का होज है, 3 इंच का होज है, 5 इंच का होज है, 6 इंच का होज है, जैसे आपने फ्लाई यूज किया, सीमेंट यूज किया, जो डस्ट रहते हैं उसके अंदर एक लेयर बन जाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, जिस आप घर घर में रहते हो, आप किसी घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, सुबह आप उठते हो तो उसको क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्या आपने कहीं से ला के घरों में डस्ट तो नहीं डालते हो, फिर भी आपका घर में इतने डस्ट कैसे आ जाते हैं। उसी तरह से जो होज पाइप होते हैं उसके अंदर आप डस्ट ही तो यूज करते हो, और डस्ट की एक लेयर जो होती है रबर के ऊपर चढ़ती जाती है। और जैसे रबर क्या है, सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने की वजह से उसके ऊपर एक हार्ड लेयर चढ़ने से रबर का लाइफ कम होते जाता है, और रबर जो है क्रैकिंग में बिल्डअप होने लगता है। जहाँ पर क्रैकिंग होगा तो उसका जो लाइनिंग का जो थिकनेस रहता है 4 mm 6 mm, इससे तो ज़्यादा नहीं होता है। तो होता क्या है, उसमें क्रैकिंग आता है तो ऑक्सीडेशन होने लगता है, और लाइनिंग जैसे ही वीक होगा तो होज आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। आउटर कवर की बात करते हैं तो आउटर कवर पर भी आप सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट जो है एयर के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से वो पूरी तरह से स्टोन बन जाता है, हार्ड बन जाता है। रबर जो होता है 50-60 हार्डनेस का होता है, उस पर एक रबर के ऊपर एक कवर, सीमेंट का एक कवर बन जाती है, और रबर के प्रॉपर्टी को हार्ड करना शुरू कर देता है, उसके लाइफ को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसके एंटीऑक्सीडेंट पावर को कम करता है, वेदर रेजिस्टेंस पावर को कम करने लगता है, उसके आयल को ऑब्जर्व करने लगता है जो उसके अंदर आयल रहता है रबर के। और होता क्या हो, इवोनाइट टाइप का वो रबर होने लगता है, रबर हो इवोनाइट में कन्वर्ट होने लगता है, हार्ड होने लगता है, 60 से 80, 80 से 90 तक जाने लगता है, उसमें क्रैकिंग बिल्डअप होने लगता है। तो आप यूज करो या ना करो, लेकिन होज का जो लाइफ है डे बाय डे आपका कम होते जाता है, एजिंग होते जाता है, क्योंकि सनलाइट में जो ओजोन की किरणें होती है वो डायरेक्ट रबर के लिए नुकसान देती है।
तो कभी भी आप होज यूज करने के बाद उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए, उसको एयर से साफ करना चाहिए, उसके अंदर जो इनसाइड में जो सीमेंट की जो लेयरें परत बनती है उसको भी हवा से साफ कर देना चाहिए। होता क्या है, आप मैन्युफैक्चरर आपको 6 मंथ की वारंटी देता है, 1 ईयर की वारंटी देता है, लेकिन वो 1 ईयर और 6 मंथ जो है कब लागू होगा, जब उस होज का आप पूरी तरह से रख रखाव करते हो, उसको अच्छा डस्ट प्रूफ रखते हो और कूलिंग प्लेस पर रखते हो, तो होज काफ़ी 2 साल भी सर्विस दे सकता है। अगर आप रख रखाव अच्छा नहीं रखते हो, मेंटेनेंस जीरो रख करते हो, यूज करने के बाद उसी में डस्ट छोड़ देते हो, फ्लाई छोड़ देते हो, सीमेंट छोड़ देते हो, तो उसके अंदर की जो आईडी है डे बाई डे कम होने लगती है और एक परत आ जाती है, उससे एक स्केल जम जाती है, तो रबर के जगह पे वो स्केल जो है धीरे धीरे रबर के लाइफ को कम करने लगता है और आउटर में भी एक कवर जमने लगता है, 2 mm का परत आ जाती है, तो उससे भी होज का जो लाइफ कम हो जाता है। आपने देखा हो कि जब भी आपको ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिले तो आपका लाइफ कम हो जाता है, उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप देखा होगा जो फैब्रिक होते हैं रबर के अंदर के रेनफोर्समेंट, जो फैब्रिक रेनफोर्समेंट है, या कॉटन का रहने दो या टायर कॉर्ड रहने दो, उसके अंदर कैविटी होता है और वो कैविटी जो है होज को कंडीशनिंग करने में बहुत मदद करता है। एक तो आपको प्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और होज को फटने से बचाता है, उसको ताकत देता है, दूसरे तरफ होज को एक कूलिंग देता है, उसको मेंटेनेंस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।